नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला आज फतेहाबाद की अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर व्यापारियों से बातचीत की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। मीटिंग स्थल के आसपास पुलिस बल काफी मात्रा में तैनात था, मगर किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आगाह करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं व्यापारियों से बातचीत करते हुए अभय सिंह चौटाला ने एक ओर जहां सरकार को घेरा, तो वहीं फतेहाबाद के विधायक बुडाराम पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद के ग्रीवेंस की मीटिंग में और उसके दौरान अपनी ही सरकार को भ्रष्टाचार पर घेरने वाले, मगर आज वे व्यापारियों के हितों की जब बात आती है तो आज वे चुप हैं। उन्होंने कहा कि दुड़ाराम केवल फतेहाबाद के विधायक ही नहीं है, बल्कि अनाज मंडी व्यापार मंडल के सदस्य भी है। ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने व्यापारी भाइयों की बात सरकार तक पहुँचाए, मगर यहाँ के व्यापारियों की हालत देखकर ऐसे लगता है कि दुड़ाराम को व्यापारियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहली बार ऐसी कोई सरकार देखी है जिसके विरुद्ध वो वर्ग भी शामिल है जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। आज सरकार के खिलाफ व्यापारी, किसान, मजदूर सब लामबंद है, मगर लगता है कि सरकार अपने आप में ही मस्त है। उन्होंने व्यापारियों से सरकार के फैसले के विरुद्ध डट कर खड़े रहने की बात कही। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आप नाम दे रहे थे कि कुछ राजनीतिक लोग, आप सुनते दुड़ाराम का नाम ही दे रहे थे। वोट चाहिए तब तो हम सब इसके लिए भाव आते हैं। जिस दिन इनके सूट बैठ जाते हैं, मेरी अपने घर में बैठ के उनकी अपनी खाल बची रहे, उनकी अपनी जगह बनी रहे, इसके लिए फिर अपने आप गिरवी रखते हैं। मैं तो ये मानता था कि दुड़ाराम नाम की यहाँ जब आपके मीटिंग हो रही थी फोरेंसिक कमेटी, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था, तब तो सरकार के खिलाफ बोल रहा था। जिस मंडी में रहता है, जिसमें उसकी खुद की दुकान है, वहां आज आड़तियों के बीच में खड़ा होकर ये नहीं करता कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ। गांधी आप जाओ उसको समझाओ, ये कम से कम आर्ट एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते तो तेरी जिम्मेदारी बनती है, तो हमारी बात मुख्यमंत्री से आप भी जाके मेरे दायर है। यहाँ का सुखो के चीफ मिनिस्टर से मेरी मंत्र और कैसे पुरानी पत्ती सीखो की आप अपनी जगह पर मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ो। जो फीसदी सरकार को आपके आगे मजबूर होना पड़ेगा, आपकी बात को मानना पड़ेगा। कोरोना से जहाँ सोशल डिस्टेंस बना करके रहो, चाहे महामारी में एक दूसरे की मदद करो, वही किसान को बचाने के लिए व्यापारी किसान का रिश्ता खत्म ना हो, मजदूर को काम मिले, इसके लिए भी मजबूती के साथ लड़ो। ये लड़ाई है लंबी लड़ने को, मान के चलो ऐसी सरकार है जिसमें कई तो आज ही करवट बदलते होंगे, और जब इस तरह का फैसला पूरे प्रदेश में हो जाए तो सरकार को नाक रगड़ेगी आपके दरवाजे पर। केवल आपने मजबूती दिखानी है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई को अच्छे ढंग से लड़ोगे। मैं मुख्यमंत्री से आज ही बात करूँ, निश्चित रूप मैं कहीं में कसर नहीं छोड़ता। मैं दुड़ाराम की तरह नहीं करता। भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, मैं पूरी बात खोल करके करूंगा। मैं कहूंगा कि देरी नहीं है, लोगों का इशू है, आम आदमी से जुड़ा हुआ, और अगर फिर भी नहीं माने तो मान के चलो जनमानस कोई भी चिंता है इनको भी जाना होगा। 100% आपको जो है आपका पहले वाला मिलेगा। ये जो इन्होंने इस तरह के गलत फैसले हैं, इनको मजबूर होकर उनको वापस करना, आपने मेरी बात सुनी है। एक बात के ऊपर खड़े हो गए कि हम जो है अपने सिंह को बढ़ा लेंगे, हम नरेगा वालों के माध्यम से माल बढ़ा लेंगे,
कर लेंगे, तोड़ लेंगे, हम टीचरों को लगा देंगे। आज ऐसी हालत है कि जो सरसों बेचने जाता है, जिसको कहते हैं पेट ट्राली ले आते हैं, उसकी 40 किलो कीमत है, उसमें भी नमी ढूंढते हैं, तो सरसों महीने पहले निकल के उसमें नमी काटी होती है, ये तो उसके अंदर भी वो लगा के मीटर सरकार इसके 10% है, 12% है, नहीं रहेंगे किसान को अपनी फसल से वापस चले जाएंगे। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक किसान है, एक भारतीय है, अच्छे को जेल का काम करने वाला मौजूद है। ये पहली दफा हुआ है इस देश में, हमारे प्रदेश में, तो कि व्यापारी, किसान और मजदूर तीनों मिलकर के सरकार के खिलाफ काम बंद हो रहे खड़े हो रहे। केवल एक छोटी सी बेवकूफी सरकार की, एक छोटी सोच की वजह से, बदनीयती की वजह से ऐसे इनको हटाया जाए, इसके लिए आज भी परेशानियों का सामना हो रहा है। आपकी मंडी भी इस बात की जानकारी देने आया था कि कहीं यहाँ भी इसी तरह से बाकी मंडियों में जैसे व्यापारी परेशान हैं, कर्मचारी अभय चौटाला जी आए थे, क्या संबोधित करके गए हैं, क्या कार्यक्रम था उनका वहाँ? यहाँ उनका आना, हमारे आढ़तियों ने जो टोटल हरियाणा में हमने स्ट्राइक की हुई है ई ट्रेडिंग के खिलाफ और किसानों की सीधी पेमेंट डालने के खिलाफ जो आंदोलन हमने सारे हरियाणा में शुरू किया हुआ है, उसके बिहाफ पे हमें वो मिलने के लिए आए थे कि आपकी क्या समस्याएं हैं, और हमने उनके आगे समस्याएं रखी हैं ताकि वो इसे विधानसभा में उठा पाए। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन उन्होंने दिया कि मैं मुख्यमंत्री से आज ही बात करूँगा और देखो क्या होता है, हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम जो है वो हड़ताल पे रहेंगे।